दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की फ्रंट डिजाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये ब्लाउज बनाने के लिए मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है और मैं टू कलर का कपड़ा यूज कर रही हूँ ये फ्रंट में। तो अभी आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। शोल्डर है 14 इंच। मुड्डे, अभी हम मुड्डे लेंगे 7.5 इंच। चेस्ट लिया है मैंने 10.5 इंच। तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये 34 साइज का आएगा। और जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 15 इंच। अभी 1.5 इंच की इसमें गुलाई करेंगे। शोल्डर से 1/2 इंच क्रॉस में नेक तक। ब्लाउज का नेक लेंथ है 5.5 इंच और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 6 इंच लिए हैं। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। और इसको बोट नेक में कट करेंगे तो लिया हमने 4.5 इंच। शोल्डर से भी 4 पॉइंट। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी गुलाई देंगे 2.5 इंच। जैसे अभी इसकी गुलाई कर ली है सेम ड्राफ्ट पे इसको कट करेंगे। अभी हमने ये कट कर लिया है। इस ब्लाउज कट कर लिया है। अभी मैं इसमें डिजाइन बताऊंगी आपको। तो इस सेंटर से हम पॉइंट देंगे। अभी तो सेंटर से ले रहे हैं हम 3.5 इंच और जो इसकी प्लेट की लंबाई रहेगी 4.5 इंच रहेगी। तो हमने 4.5 इंच में निशान लगा दिया है। अभी नेक से लेके आप कितना लंबी पट्टी रखना चाहते हैं और कितना लंबा आप कट देना है। तो मैंने ये नेक से 7 इंच लिया है और 7 इंच के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे डिजाइन में। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डार्क कर लेते हैं सेंटर पॉइंट। अभी हम इसको खोल देते हैं। तो ये क्या है, राइट साइड से कम गुलाई देंगे। जैसे कि हमारा 7.5 इंच है तो 1/2 इंच के आसपास इसमें गुलाई देंगे हम नीचे से। और जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया वहां तक इस तरह से हल्की सी गुलाई कर देंगे साइड से लेके। अब ये सेंटर पॉइंट है जो प्लेट डालेंगे उधर गुलाई करते हैं। तो इसको ऊपर की तरफ से गुलाई देंगे तो इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। सेम ड्रॉ पे इसको कट करेंगे। अभी हमने कट कर दिया है एक साइड में। और अभी आपको प्लेट डालने का तरीका बताते हैं। जैसे कि हमने पॉइंट दे दिया था प्लेट का और इस तरह से हम प्लेट डालेंगे। जो हमने कट किया है वहां तक ये प्लेट आएगी। तो आप इस तरह से टेप से क्रॉस में निशान लगा लें प्लेट का। और जो प्लेट डालने के बाद फिर से हम दूसरी साइड में भी गुलाई देंगे। तो प्लेट का मार्जिन हमने छोड़ दिया है और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में ये कम रहेगा
और राइट साइड में ज्यादा रहेगा। इसको डार्क कर देते हैं, सेम ड्राफ्ट पे कट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी मैंने ये दूसरा क्लॉथ लिया है, आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं। तो हमने व्हाइट नीचे रखा है और ये कलर वाला ऊपर रख दिया है। अभी जो हमने नीचे शेप दिया सेम शेप में इसको कट कर देंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लें। और जो ऊपर है हम बोट नेक बनाएंगे, तो आप इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लें और अभी शोल्डर तक इसको पॉइंट दे दें, और उसके बाद जो बोट नेक बनेगा उसका पॉइंट दे दें। अभी हमने ये क्लॉथ नीचे रख दिया है और इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे जैसे कि हमने ड्रॉ कर लिया था। तो आप इस तरह से इसको डार्क कर लें। अब ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ तक सेम रहेगी और ऊपर से हम इसको स्ट्रेट ले रहे हैं जैसे कि सेंटर लाइन है। सेम आप मुड्ढे की तरफ भी निशान लगा दें। अभी हम बोट नेक ड्रॉ करेंगे, बोट नेक को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमारा नीचे का डीप नेक है, इसीलिए हमने ऊपर थोड़ा कम लिया है। और जो ये ड्रॉ है ये हम थोड़ा क्रॉस में देंगे और इसको मुड्ढे की तरफ ले जाएंगे, तो ये इस तरह से आएगा। और जो मुड्ढे की तरफ एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हम कट कर देंगे। अभी सेम ड्राफ्ट में इसको कट करेंगे और ये ध्यान रखें नीचे क्लॉथ है उसको थोड़ा कट नहीं हो, ऊपर का ही कट करना है हमको। तो इस तरह से ये डिजाइन आएगी। अभी जैसे ये प्लेस है आप चाहे इस पर नेट लगा सकते हैं, मैं इसको ऊपर रखूंगी। सेम दूसरे साइड का हम मुड्ढे भी कट करेंगे और नेक भी। क्योंकि जो वन साइड का है ये इसके साथ में अटैच रहेगा। अभी नेक कट करते हैं। अभी जैसे हमने कट कर दिया है तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये डिजाइन आ रहा है इस तरह से आ रहा है। ये मैंने फ्रंट पीस कट कर लिया है और जो इसकी ओपनिंग रहेगी वो बैक साइड रहेगी। बैक साइड आप नॉर्मल तरीके से कट कर लें। मैं इसे स्लीव लेस बना रही हूँ, आप चाहें तो स्लीव भी लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। इसको मैंने स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करी है क्रॉस में। तो पहले हम नीचे का पीस तैयार करते हैं। तो इसको इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद नेक पे अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कैनवास भी लगा सकते हैं। इसमें हमको फ्रिल नहीं डालनी है, सेम इसको लगाना है। और जैसे आगे पीछे क्लॉथ है इसको कट कर देते हैं। और अभी इसके किनारे पे एक स्टिचिंग डाल देंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग आएगी।
अभी आप चाहे तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं, चाहे इसमें मशीन चला सकते हैं। अभी हम प्लेट डालेंगे इस तरह से, आप सेंटर ले लें। तो ये दूसरी तरफ भी हमने पॉइंट दे दिया, और इस तरह से डार्क कर लें जो कि दूसरी साइड में भी सेम प्लेट आ जाएगी। तो जो पॉइंट दिया था हमने, सेम पॉइंट पर प्लेट डालें। तो हमने प्लेट डाल रहे हैं, हमने प्रिंसेस कट कट नहीं किया है, ओनली प्लेट वाला बना रहे हैं इसको। अभी जो साइड में, यहाँ पे हम इसको हल्की सी गुलाई दे देते हैं। तो ये इस तरह से आएगी। अभी हम सबसे पहले नेक तैयार करते हैं। किनारे पे स्टिचिंग डाल देंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग बराबर आएगी। तो अभी आप इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लें। अभी जो हमारा ये नेट डिजाइन है, हम इसको भी नीचे तक पूरे में नहीं करेंगे, यहाँ तक इसको पट्टी अटैच कर लेते हैं जैसे कि हमने नेक में अटैच किया है सेम। तो हम यहाँ शोल्डर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर भी स्टिचिंग डाल देते हैं। ये नीचे का पीस मैंने इस तरह से रख लिया है, और जो दूसरा पीस है इसको इस तरह से रखेंगे। आप इसको शोल्डर से एकदम बराबर से रखें, आगे पीछे नहीं करें। रखने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टिच डाल के सेट कर देते हैं। और उसके बाद जो ये पट्टी हमने तैयार की है, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे हम स्टिचिंग डाल देंगे नेक तक। तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो ये पीस है इसमें आप तुरपाई कर लें, और जो हमारा ये साइड में जो पीस आ रहा है इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, क्योंकि इसको भी हमको सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसी को सेट कर देंगे। ये मैंने शोल्डर पे इस तरह से रख लिया है, और जो नीचे का हमारा ये तुरपाई वाला है इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें जिससे कि तुरपाई करने में आपको इजी रहेगा। और उसके बाद हम इसमें स्टिच डालेंगे। अब इसके बाद जो व्हाइट पीस है हमारा, तो हम ये नेक तक इसको लॉक कर देते हैं। ये हमारा ये साइड से लॉक हो गया। सेम हम यहाँ पे भी स्टिच डाल देते हैं जैसे कि ये पूरा सेट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह शोल्डर से। ये जो हमारा ये पट्टी है इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं अंदर, और इसके किनारे पर हम स्टिचिंग डालेंगे, दोनों पीसों को जॉइंट कर देंगे। और जो ये नेक आ रहा है आप इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लें। देख सकते हैं ये ऐसा ओपन है, आप चाहे इसमें नेट से इसको कवर कर सकते हैं, चाहे इसको ओपन रख सकते हैं। इसको ओपन ही रख रही हूँ।
अभी मैंने वन साइड प्लेट डाल दी थी, अभी दूसरी साइड प्लेट डालूंगी क्योंकि दोनों पीसों में एक साथ प्लेट आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो सेंटर है यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ देते हैं और इसका एक सेंटर बना लेते हैं, जिससे कि आपको प्लेट डालने में इजी रहेगा क्योंकि दोनों पीस एक साथ हैं। और सेम में यहाँ पर प्लेट डालता हूँ दूसरी साइड में। मैंने एक-एक प्लेट डाल दिया, आप चाहे तो इसमें कप भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसको हम प्रिंसेस कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिजाइन हमारा कटिंग नहीं हो पाएगा, इसीलिए वन प्लेट डाल दिया। आप चाहे तो एक आम बोल में भी इसको प्लेट डाल सकते हैं, तो जिससे आपको कप डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे सेफ आएगी। तो आपको बताते हैं किस तरह से डालना है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको सेम नॉर्मल जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं उसी तरह आपको इसमें प्लेट डालनी है, जिससे कि आपकी जो फिटिंग है वो बराबर से आ जाएगी। हमने दो ही प्लेट डाली है, हमारा कप एकदम बराबर से बैठ गया है। सेम दूसरी साइड में इसी तरह प्लेट डालना है। अभी मैंने प्लेट डाल दी है, अभी जो हमारा ये कमर का हिस्सा है यहाँ पे हम इसको अभी तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से उल्टी तरफ से इसको तैयार करेंगे, जो पट्टी है हम नीचे की साइड में रखेंगे। मैंने इस तरह से नीचे सिलाई डाल दी है, अभी हम यहाँ पे सिलाई डाल देंगे जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे तुरपाई करें चाहे नीचे मशीन डाल दें। बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। बैक साइड आप कोई भी नेक रख सकते हैं, बोट नेक या डाउन नेक कोई भी रख सकते हैं, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में रखते हैं उसी तरह आप इसको स्टिच कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।